आज शुरू करते क्लास 10 का त्रिकोणमिति। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में मैथमेटिक्स टूल का थर्ड लेक्चर। अब ये पहली बात है, 11वीं क्लास है, उसमें फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले जो हमें आता है, जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है, ऐसी चीज़ों की जानकारी है माने हमारी होनी चाहिए। ऐसा ही टॉपिक है मैथमेटिक्स टूल, कब प्रयोग होगा, कहाँ प्रयोग होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका यूज होगा तभी फिजिक्स संभव है। हर चीज का, जैसे त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारी फिजिक्स में। तो जहां पर भी, क्योंकि कोण के बारे में, फिजिक्स के बारे में काफी कुछ जानकारी है, तो ये मैथमेटिक्स टूल बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिक्स के लिए। क्योंकि अगर हम आते ही फिजिक्स शुरू कर देते हैं, पहला चैप्टर द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हमें उस सब्जेक्ट से लगाव लगाने के लिए पहले मैथमेटिक्स टूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ आती है वो अधिकांशतः हमें ज्ञात होती है। क्या होती है, मैथ वाले बच्चे मैथ पढ़ी है 10th में, तो हमें त्रिकोणमिति, एरिया, सरफेस, एलजेब्रा, ये सब कुछ हमें क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं, जिससे हमारे समझ में आता, सोच रहते हैं। और ये जो बेनिफिट है मैथमेटिक्स टूल का, अब वो आपको आगे जाके होगा, न्यूमेरिकलों में होगा। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते, हमें न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स टूल को छोड़ सकते हैं। ये खास तौर पर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स टूल, क्योंकि आगे आगे जैसे 11वीं क्लास में होंगे बच्चे, तो वो बायो की क्या हो जाएगी, मैथ तो छूट ही जाएगी, केवल उतनी मैथ आएगी जितनी की उनकी 10th क्लास में थी। लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं उनकी तो मैथ में भी ये सब कुछ धीरे धीरे होता रहेगा, 12th क्लास करेंगे सब हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशल दिक्कत है, मैथमेटिक्स टूल होना जरूरी है। जो टीचर मैथमेटिक्स टूल नहीं कराता, उसके लिए फिजिक्स का कोई महत्व नहीं है, वो फिजिक्स पढ़ाना ही नहीं चाहता, सिर्फ एक जुगाड़ करना चाहता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे अच्छी, सभी अच्छी बुक में मैथमेटिक्स टूल जरूर दिया होगा, फिजिक्स की हर बुक में, 12th की अच्छी बुक है वो उनकी 11th की बुक में तो दिया ही होगा, बहुत सी अच्छी बुक में 12th क्लास में भी मैथमेटिक्स टूल दिया होगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर थर्ड। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ये चीज़ है एंगल यानी कोण के बारे में, एंगल या कोण के बारे में। हमारी क्या चीज़ है, कोण, एंगल, ये कोण, ये एंगल या कोण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीटा ज्ञात करना फिजिक्स में, कौन सा थीटा में लेना है, कौन सा एंगल हमें ज्ञात करना है, कौन सा थीटा है, कौन सा क्या है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12th क्लास का पहला जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उनमें तो कोण का बड़ा ही महत्व है और त्रिग्नोमेट्री का भी महत्व है। अगर वहाँ पर आपको मास्टर समझाए कि ये है, तो वो अच्छे से नहीं समझा पाए। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत है तो वो चीज़ आप भी इजिली समझ लेंगे। 2-3 चैप्टर बिल्कुल ये साइन कोस थीटा पर आधारित होंगे। आपको विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो इसमें आपको त्रिकोणमिति की आवश्यकता होगी, फिर आपको 10th क्लास की बुक उठानी नहीं पड़ेगी अगर आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स टूल पढ़ा है। तो शुरू करते हैं, एंगल क्या है, एंगल दो लाइंस है, टू लाइंस, दो ये लाइन है, उनके मध्य जो मनता है कोण, उन्हें एंगल कहते हैं। ये जो टू रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य कोण बनता है, ये क्या है, कोण है इन दोनों रेखाओं के मध्य, ये क्या एंगल, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं फिजिक्स में, फाई से भी व्यक्त कर सकते हैं, कई चिन्हों का उपयोग करते हैं, इस मान्यता थीटा और फाई का उपयोग किया जाता है। तो ये एंगल है, एंगल की जो होता है वो क्या होता है हमारा, त्रिकोणमिति यानी तीन भुजा वाला, तीन कोण होंगे, तीन कोण सिर्फ त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज की बात करेंगे, वो भी यहाँ पर समकोण त्रिभुज की, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी थीटा हो गया, और ये हो गया हमारा फाई मान सकते हैं। अब थीटा और फाई कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये कोई नहीं बताएगा आपको फिजिक्स में, तो मास्टर बताएंगे कि अगर हमें फाई ज्ञात है तो सीधा ही थीटा बराबर लिख देगा 90 माइनस फाई।
लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत है तो ये आप इजीली समझ लेंगे, अन्यथा मास्टर से पूछेंगे कि थीटा बराबर नंबर माइनस पाई कैसे आया। लेकिन अब क्या है, आप देखते हैं 12th 11th क्लास में पूछते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो ये 90 डिग्री त्रिभुज का कोण, 180 डिग्री होता है टोटल कोण, तो क्या होता है 5 प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 कम हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5, तो ये थीटा ज्ञात हो गया। ऐसे ही हमें बहुत से कोण ज्ञात करने होंगे, जैसे ये ज्ञात करना पड़े, ये क्या हो जाए 180 माइनस थीटा, वो इतना ही लिखेगा, ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ऐसे लिखेगा। लेकिन अगर आपने फिजिक्स 11th क्लास में पढ़ा है तो 12th क्लास में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो इजिली समझ में। तो ये हमारा हो गया थीटा। अब तीन चीज है, करण, समकोण। ये क्या है हमारा, सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को करण कहते हैं। और जो कोण है, अगर हम इसको क्या मानते हैं, इस कोण को मुख्य मानते हैं, मैके मुख्य मानते हैं, तो इस कोण के सापेक्ष जो लंब होगा वो क्या होगा, ये लंब होगा, बी लंब। ये क्या हुआ, बेस यानी आधार, हमारा क्या होगा आधार। तो ये चीज आपको 12th में क्या बताएंगे, 11th में तो आपको साइन थीटा का जो लाल बटा का तो सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा वही है, लेकिन 12th क्लास में ये बताएंगे तो एक अप्रोग्य चीज है, आपको साइन कोस थीटा का मान ज्ञात करना आना चाहिए। तो ये है 11th क्लास में आप सब कुछ सीखे मैथमेटिक के बारे में, हर चीज न्यूमेरिकल निकालना, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं निकाले फिजिक्स लेकर तो आपने कुछ नहीं किया। ये हमारा बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये हो गया हमारा करण। अब जो हमने आते ही 10th क्लास में त्रिकोणमेत्री कराए जाती है तो एक ही सूत्र याद कराया जाता है, लाल बटा काका, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे प्रारंभिक आधार है। यही जैसे हम 11th में होंगे तो ये लाल बटा काका एक बार आएगा, फिर हम ये बहुत ही कम याद करेंगे, लाल बटा काका बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें साइन थीटा से खेलने लगेंगे। तो हमें क्या है, साइन कोस थीटा से खेलना है, न कि उन्हें याद करना, न ही उन्हें रटना, हमें उनके साथ खेलना है, क्योंकि पांच वैल्यू है उनकी, वो माइनस प्लस की होगी या घटेगी बढ़ेगी, यही चीज है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग ही वैल्यू आएगी, पांच वैल्यू है, पांच वैल्यू के अलावा कुछ नहीं आएगा मान। तो जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, तो ये शुरू करते हैं। तो पहली चीज है, तीन मुख्य त्रिकोणमिति होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। वैसे छह होते हैं, साइन थीटा होता है हमारे छह, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, कोट का कोस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ये छह होते हैं, लेकिन हमें इन तीन के बारे में क्या पढ़ना है, तीन के बारे में, इन तीनों के बारे में पूरा इसको निचोड़ दो, इनके सभी सूत्र आने चाहिए हमें, दो साइन थीटों को कैसे योग करें, कैसे घटा करें, कैसे साइन थीटा टू का फॉर्मूला क्या है, इनका मान क्या है, इन तीनों के हमें आने चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही क्या होती है, कम आवश्यकता होती है फिजिक्स में, इनकी भी आवश्यकता होती है। कोसेक थीटा आएंगे, जैसे रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन है उसमें कोसेक थीटा आएंगे, साइन थीटा भी आएंगे, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, कोसेक थीटा साइन थीटा। तो शुरू करते हैं साइन थीटा के बारे में पढ़ने के लिए। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा जैसे आपको सूत्र बताया जाता है, लाल लाल बटा काका, ये जो हमें सूत्र बताया जाता है कि लाल बटा काका, तो ये लाल है, इसको कहते हैं लंब, इसको ए को कहते हैं आधार बेस, और ये भी क्या हो गया लंब, के हो गया करण, भाई जी महान आदमी करण, सूर्य पुत्र करण, के करण, ए बेस आधार। तो ये लाल बटा काका, ये क्या है, साइन,
साइन का ये कोस का सूत्र हो गया, ये हो गया टेन का। होता क्या है कि ये त्रिभुज है, ये एंगल है, हम त्रिभुज को अच्छे से बनाते हैं, त्रिभुज हम एंगल लेते हैं ये थीटा, ये थीटा ले लिया। ये थीटा डिपेंड करेगा कि इनके मध्य जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कितनी लंबी होगी या छोटी होगी, ये थीटे पे डिपेंड करते। तो क्यों हमने पढ़ा है कि जितनी लंबी भुजा होगी उतना ही बड़ा कोण होगा, ये प्रमेय है, थ्योरम है नाइन्थ क्लास में। ये कोण जितना बड़ा होगा इसकी सम्मुख भुजा उतनी लंबी होगी, इसलिए तो ये कोण 90 डिग्री का होता है। इस कारण करण क्या है, सबसे लंबा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा है करण भाई जी। अब ये तो करण भाई जी की बात होगी, पाइथागोरस प्रमेय भी हमें पता होने चाहिए, PSY पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि लंब की स्क्वायर अपॉन आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, लंब स्केयर आधार स्केयर बराबर कर्ण स्केयर, ये चीज होती है जो आगे हमारे काम भी आएगी, जैसे फॉर्मूले लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं, ये थीटा है, ये थीटा क्या डिपेंड करता है कि इन दो भुजाओं के मध्य, एक तो ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के मध्य एक संबंध निकालते हैं, इन दोनों भुजाओं की लंबाई के मध्य जो संबंध निकालते हैं वो उनका उन लंबाई का जो अनुपात है वो ही साइन थीटा इन दोनों भुजाओं के। वो क्या है, वो साइन थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा वो इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात है, वो कौन सा है, लंब बटा कर्ण की लंबाई का अनुपात, एक अनुपात विमाहीन राशि होती है। ये क्या एक विमाहीन राशि है। विमा के बारे में हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा विमा होती क्या है, साइन थीटा क्यों है विमाहीन, क्योंकि ये भी एक सेंटीमीटर में या मीटर में मापा जाएगा और ये भी एक दूरी है, दूरी एक से मात्रक होंगे तो निकल जाएंगे, तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा, नहीं कोई विमा होगी। तो ये बात होती है, ये तो साइन थीटा की बात कर ली, लंब बटे कर्ण। अब बात करती है कोस थीटा, कोस थीटा भी क्या है, इस भुजा और इस कर्ण के मध्य क्या है, संबंध व्यक्त करते हैं, क्या है, धार बटे कर्ण, ये एक संबंध है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के मध्य संबंध है, जो अनुपात है वो है कोस थीटा, हमें क्या देना है, कोस थीटा, ये याद रखना बिल्कुल। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा होता है साइन बटा कोस थीटा। अब तीनों भुजाओं के मध्य अनुपात है, अब इन दोनों भुजाओं के मध्य भी अनुपात ज्ञात करेंगे, इन दोनों भुजाओं के मध्य वो अनुपात है क्या है, लंब बटा आधार, लंब आधार के मध्य जो अनुपात होगा वो गया लंब बटा आधार। अब कोट है वो टेन से संबंधित है और जो सेक है वो कोसेक से संबंधित है, तो ये एक तरीके से परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आधार और कोस के मध्य, इन तीनों भुजाओं के मध्य क्या अनुपात, इन संबंध ज्ञात किया जाता है, अनुपात ज्ञात करते हैं इन लंबाइयों में, इन्हें क्या कहते हैं, त्रिकोण में थी। साइन कोस थीटा के बारे में तो ज्ञात कर लिया, अब कोट, कोट थीटा है वो क्या है, टेन का उल्टा, कोट बहुत ही कम याद यूज होगा, खास तौर पर टेन थीटा यूज होता है, तो एक बटे टेन थीटा तो क्या होगा, आधार बटे लंब। इसी प्रकार क्या है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे कोसेक कोस थीटा, तो ये हो जाएगा लंब बटा सॉरी कर्ण बटा आधार। अब है कोसेक थीटा, तो एक बटे साइन थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये चीज तो हमने ज्ञात कर ली, सीधा भुजाओं के मध्य संबंधी है साइन कोस थीटा, ये जनरल डेफिनेशन है, जब हमें भुजाओं का मान दिया हो या हम उन भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, या एक भुजा ज्ञात है दूसरी भुजा में ज्ञात करनी है, तो हम क्या है, साइन कोस थीटा का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं कि ये ऐसी कोई स्थिति आ जाए हमें
कि ये थीटा तो हमारा डिपेंड है और ये ए भी भुजा में क्या है दी गई हुई है, दी है, यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। और हमें ऐसी भुजा की आवश्यकता, तो ऐसी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं कैसे, इन दोनों भुजाओं के मध्य जो संबंध है वो साइन थीटा, लंब और कर्ण के मध्य जो साइन थीटा कोसेक थीटा के मध्य कोसेक थीटा द्वारा ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी ए बी बराबर ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगी, ए बी भाग साइन थीटा, यानी ए बी कोसेक थीटा, ये हो गया। अब इसमें लंबी साइन थीटा क्या करेगा, साइन थीटा पता है क्योंकि ये जो चीज है वो इससे छोटी है ये लंब, तो साइन थीटा का मान में सही क्या होगा, कम होगा मान सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कम करेगा। अगर लंब को ज्ञात करना है, आधार को ज्ञात करना है, अगर कर्ण को ज्ञात करना है तो भाग देना पड़ेगा साइन थीटा का, ताकि बड़े मान, और लंब ज्ञात करना तो गुणा। इस प्रकार ये हम ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा के मध्य संबंध, और इससे क्या है साइन कोस थीटा का अवकलन आसानी से किया जा सकता है, समाकलन। तो इससे हमारा मैथमेटिक्स समीकरण काफी आसान हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया साइन कोस थीटा के बारे में लंब बटा आधार, लेकिन कुछ चीज जो हमने पीवीसी पाइथागोरस पर में पढ़ा था, पीएसवाई पाइथागोरस पर में हमने क्या पढ़ा था कि लंब स्केर आधार स्केर एंड बराबर है कर्ण स्केर, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। लेकिन हमें क्या है साइन थीटा दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज के बारे में तीन ही चीजें हैं, तीन भुजाओं का अनुपात है साइन थीटा, एक भुजा का अनुपात कोस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा। ये तीन अनुपात है त्रिभुज की भुजाओं के रूप में। अब मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर का भाग दे दिया इनमें, तो क्या आ जाएगा लंब बटा कर्ण की होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक बार क्या मैथमेटिक्स है, लेकिन हम ऐसी चीज फिजिक्स में भी करेंगे। ये नहीं है कि ये मैथ आएगी नहीं फिजिक्स में, बारीकी रूप से आएगी, इतनी कम आएगी, लेकिन जब आपको ये चीज नहीं आएगी तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, पहाड़ हो जाएगी, खास तौर पर बायोलॉजी के लिए। मैथ वाले बच्चे तो फिर भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो इलेवंथ में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी उनको। तो ये हो गया। अब पता है लंब बटा कर्ण जो हमने ज्ञात किया कि ये साइन है, साइन थीटा स्क्वायर, ये आधार बटा कर्ण कोस स्क्वायर बराबर एक। तो इसको क्या लिखेंगे, ये मैथ वाले सर बताते हैं क्यों ऐसा लिखते हैं। तो ये स्क्वायर इसको इस प्रकार लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब हमें इनके मध्य क्या पता चलेगा, एक संबंध और पता चलेगा, ऐसा संबंध भी है। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान रखना हो कोस थीटा में, तो कोस थीटा में रख सकते हैं। ये हम आगे जैसे समाकलन करना सीखें, मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी ये समाकलन करेंगे तो ये बहुत ही काम आएगा। खासतौर उत्तर कक्षाओं में आपको मैथमेटिक्स टूल नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उत्तर कक्षाओं में जो बीएससी है एमजी यूनिवर्सिटी की बीएससी, उसमें 30% वेट ऑफ क्या न्यूमेरिकल है, यानी 13.5 नंबर क्या आने चाहिए अंक, 45 नंबर का पेपर होता है, उसमें 13.5 अंक के क्या होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, और वो न्यूमेरिकल है मैथमेटिक्स टूल के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। फॉर्मूला रट सकते हैं, गुणा भाग करेंगे, सो सूत्र ज्ञात करेंगे, साइन थीटा कैसे ज्ञात करना है, कोस थीटा का मान दिया, तो ये तो इससे ही निकलेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक संबंध हो गया। अब इसी में क्या दे हम आधार का भाग दे दे, लंब का भाग दे दे, तो लंब का भाग दे दे, लंब स्केयर का भाग दे तो एक आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा आधार बटे लंब स्केयर, इधर आ जाएगा कर्ण, और क्या आ जाए लंब एक का एक आ जाएगा, आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब कोस थीटा, कोस थीटा स्क्वायर को किस प्रकार लिख से इस प्रकार, और कर्ण बटा लंब होता है वो होता हमारा कोसेक,
अब कोट का सीधा संबंध हमेशा ही कोसेक से रहेगा, ये भी मैथ में जब समाकलन करेंगे तभी ये बताएंगे। को 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 का अर्थ होता है सह यानी साथ रहना, को एजुकेशन यानी लड़के लड़का लड़कियां साथ पढ़ सकती हैं। अब ये हो गया, अब हमने लम का भाग दिया, आधार का भाग देते हैं तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा। आधार का भाग दिया तो लम बटे आधार आ गया स्केयर, यहाँ पर एक आ गया और यहाँ पर कर्ण बटे आधार स्केयर। तो यहाँ लम बटे आधार क्या हो जाएगा, टेन स्केयर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्केयर। ये चीज आपको काम आएगी उत्तर कक्षा में, किस प्रकार हम इसमें संबंध ज्ञात करेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इतने फॉर्मूले क्या है सत्य है, हमने इनके व्युत्पन्न भी किया है, ये चीज होगी। अब हमने एक चीज छोड़ दी कि जो एंगल है उनको दो पद्धतियों में माप सकते हैं मुख्यतः, जो हमारी फिजिक्स में काम आएगी। एक है डिग्री, फर्स्ट क्या है डिग्री, फर्स्ट तो डिग्री होगी और सेकंड होगी वो है रेडियन। क्या है रेडियन? अब डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। तो सिंपल सूत्र है 2π, जो वर्थ 2π बराबर 360 डिग्री। ये तो क्या है रेडियन है 2π वाला और ये है 360 डिग्री यानी डिग्री में, यानी 2π वो 360 डिग्री के बराबर होते ही जहां पाई का मान होता है 22/7। हम यहाँ पर रेडियन में 22/7 लेंगे, ये है। तो ये हमने इसमें रखेंगे तो पाई बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब पाई पाई का मतलब 22/7 है, 22/7 रेडियन है बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा 1 रेडियन क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब पाई का मान रख दें, ये भी 1 रेडियन हो गया। अब मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा जो मान क्या आएगा हम रखेंगे तो शुरुआत में ये हो गया 1 रेडियन क्या होया 180 डिग्री भाग पाई, पाई का मान 3.14 ये रख दिया तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 57 डिग्री के आसपास, 57 डिग्री 912 मिनट और 22 सेकंड 10 सेकंड आएगी, 910 मिनट और 22 सेकंड। ये क्या है डिग्री है, डिग्री सेकंड, ये सेकंड, ये क्या है मिनट। जैसे मानचित्र पढ़ा उसमें सेकंड मिनट होता है वैसे ही है, वो चीज क्या है थीटा है, थीटा जो डिग्री का यूज किया उसी में मिनट सेकंड। ये ज्योग्राफी की नहीं है, ये क्या है मैथमेटिक्स है, 9th क्लास में आता है भौगोलिक चैप्टर, जब हम उसका देशांतर अक्षांतर ज्ञात करते हैं तो ये आता है कि भारत का अक्षांतरी विनाश ये है देशांतरी ये। तो ये डिग्री, ये क्या हो गई सेकंड। अब मिनट क्या है, एक मिनट क्या है, जब एक डिग्री को क्या करते हैं एक मिनट के एक डिग्री के 60 टुकड़े कर देते हैं, और एक सेकंड क्या है जब एक मिनट के क्या हम करते हैं 60 भाग। तो ये तो सब हो गया, इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। अब रेडियन और पाई में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, खास तौर पर हमारे पास जो मान दिए जाते हैं वो रेडियन में दिए जाते हैं, उत्तर कक्षाओं में यही हम पढ़ेंगे, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं, हमने जो 9th क्लास 10th क्लास में इतना ही पढ़ते हैं 0 से 90 तक पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में 360 डिग्री तक हमें मान पता होना चाहिए। वैसे 0 से 90 डिग्री वाले ही मान हमारे क्या आएंगे काम आएंगे, 0 से 90 डिग्री तक जो मान होते हैं 0 से 290 डिग्री ये मान है, यही हमारे क्या कहेंगे काम। तो ये काम आते हैं, तो इसे इन मानों को तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इस मानों से पहले पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ और। ये जो हमारा 2D होता है द्वि
ज्यामितीय, तो ये है, ये हम वाई मानते हैं, ये एक्स हो गया, ये माइनस वाई और ये माइनस, ये मूल बिंदु ओरिजिन, तो ये कोई बात नहीं है। अब इसमें जो बिंदु होंगे ये क्या है, प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो इसमें सभी बिंदु आएंगे प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस और इसमें माइनस प्लस, तो ये बात है। तो इस अब तीन चीज है, अगर साइन कोस थीटा तीनों के मान हम क्या ज्ञात करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यही साइन कोस यही मान लिए क्रमवाइज तीनों में, चारों में ज्ञात, शुरुआत में इनमें ज्ञात करते हैं, तो थीटा होगा वो यहां मैंने मान ली, थीटा थीटा थीटा, अब चारों थीटा बने हैं हमारे, तो ये यहां पर है, यहां पर क्या है, जो ये भुजा वो प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, यानी लंब भी प्लस का, आधार भी प्लस का और कर्ण की लंबाई भी क्या होगी इसमें प्लस की, तो जो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, वो भी क्या होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगले में कोस थीटा है क्या, आधार और कर्ण का अनुपात है, वो भी क्या है, प्लस है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये स्केयर है, एक लंबा है, इसमें क्योंकि ये 3D की है, तो तीसरा जो लिया है जेड एक्स वो क्या है, पॉजिटिव, तो ये बात है, प्लस प्लस आ गया इसमें। अब कोस टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा, ये दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस होंगे, या इन दोनों का अनुपात ज्ञात करें, तो अब अगले इसमें जो मान ज्ञात करना है, पहले साइन थीटा का मान क्या आएगा, या जो लंब है पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएंगे, कोस थीटा नेगेटिव क्यों आएगा, कोस थीटा नेगेटिव क्योंकि ये जो कर्ण है, आधार है, वो क्या नेगेटिव है, लेकिन कर्ण है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब है टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, या इन दोनों का आधार और लंब देखेंगे तो एक नेगेटिव है, इसमें कर्ण तो पॉजिटिव है ही, लेकिन ये जो लंब है और धार नेगेटिव है, लेकिन लंब बटे कर्ण यानी नेगेटिव भाग पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। अब कोस थीटा क्या आएगा, आधार क्या है, नेगेटिव है और कर्ण पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव। और टेन थीटा क्या है, दोनों नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ क्या है, जो लंब है, सॉरी सॉरी, ये थीटा, जो लंब है अगला सामने वाला, वो क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा नेगेटिव, और कोस थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर जो आधार है वो क्या है, पॉजिटिव है ये, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप देख सकते हैं पहले भाग में तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब 2D में किस प्रकार लिखते हैं, टेन थीटा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि टेन थीटा किस पर निर्भर करता है, साइन कोस थीटा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अर्थात साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, प्लस नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव, यहाँ क्या है, प्लस और माइनस प्लस, यानी साइन नेगेटिव प्लस, तो इसका मतलब है एक्स एक्स की जो अक्ष की और जो हम चीज लेंगे वो साइन थीटा के रूप में होंगी, और जो वाई एक्स के रूप में लेंगे वो कोस थीटा के रूप में लेंगे। जैसे ये कोई चीज हमने ये ली है, इसका मान है, अब कोई ये विद्युत क्षेत्र है ये बताया जाएगा, अगर हम इस साइड लेंगे तो क्या लेंगे, इस साइड लेंगे तो क्या लेंगे, ये चीज हम इसी से सीखते हैं। और ये थीटा, ये कोण यहाँ होगा तो क्या होगा कि ये नीचे की साइड हो जाएगा, क्योंकि दिशा चेंज, ये इधर चला जाए, तो ये सब कुछ इसी पर डिपेंड है, ऐसा तो है नहीं कहीं और से आ गया, सब इसी से डिपेंड है। ये क्या जाएगा, कोसेक कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा ई, ये ई साइन थीटा,
आधार है, ये लंब है, वैसे ये लंब है लेकिन ये इसके समांतर है तो ये समान। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कवरेज।